नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी मित्र पर। दोस्तों, आपने डिमांड की थी कि राजस्थान के वाद्य यंत्रों की ट्रिक बनाई जाए, तो उसी वीडियो को मैं लेकर आया हूँ। बहुत ही अच्छी ट्रिक्स बनाई हैं, आपको ज़रूर पसंद आएगी। थोड़े से टफ नाम भी हैं, तो आप नाम को भी पढ़ें और ट्रिक बहुत ही मज़ेदार है कि आपको ट्रिक पढ़ने में ही बहुत मज़ा आएगा। चलिए हम इस वीडियो को ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं, और ट्रिक्स और वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये ट्रिक्स कैसी लगी। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सुशीर वाद्य से हम इसकी शुरुआत करेंगे। ऐसे वाद्य यंत्र जिन्हें फूंक कर बजाया जाता है, उन वाद्य यंत्रों को हम क्या कहते हैं? सुशीर वाद्य, यानी कि इनसे हवा भर के या फिर फूंक कर जिनको बजाया जाता है, उनको कहते हैं हम सुशीर वाद्य। कौन कौन से हैं? अलगोजा, बांसुरी, बांकिया, सुरनाई, मशक, तुरही, मोरचंग या मुरला, सिंगी, सतारा, करना, बीन, शहनाई, भूंगल, नागफणी। फ्रेंड्स, ये आपको नाम भी एक बार कम से कम 2 या 3 बार पढ़ने भी हैं कि नाम भी याद हो जाए, उसके बाद ही आपकी ट्रिक भी काम करेगी, ठीक है, नाम भी आपको पता होने चाहिए। चलिए हम ट्रिक देखते हैं कि ट्रिक क्या है। ट्रिक है, अले बाबा सुर में तू ही गाएगा, मोर संग साथ सोकर भीमशा भी नहाएगा। अले बाबा सुर में तू ही गाएगा, मोर संग साथ सोकर भीमशा भी नहाएगा, ठीक है, ये अपनी ट्रिक है। लिख लें आप कॉपी में, जैसा यहाँ पर फॉर्मेट है एज इट इज, आप भी कॉपी में ऐसे ही उतार लें और 2-3 बार इस ट्रिक को बोले, ट्रिक याद हो जाएगी। तो हम देखते हैं हमें कैसे कैसे ये वाद्य यंत्र याद हो रहे हैं। अले से तो अलगोजा, ठीक है, हमारा जो राज्य वाद्य यंत्र वो है अलगोजा, ठीक है, ध्यान रखना। बाँ से बांसुरी, बाँ से बांकियां, और जो बाबा लिखा ना अले बाबा, तो उसमें चंद्रबिंदु जरूर लगाना दोनों में, जिससे कि बांसुरी और जो बांकियां में चंद्रबिंदु है ना, वो आसानी से याद हो जाएंगे आपको, ठीक है। फिर सुर से जो है सुरनाई, मै से मशक, और तू ही से तुरही आ जाएगा। गाएगा जो है अपना साइलेंट वर्ड है। मोर से मोरचंग, और यहाँ पर एक और नाम याद रखना है, मुरला, ठीक है, मोर से मोरचंग और मुरला दोनों याद रखने। संग से सिंगी हो जाएगा, साथ से सतारा, सोकर में जो सो को काट देना, और जो कर है कर से करना याद आ जाएगा। भीमशाह में जो है बीन से, बीन यानी कि पुंगी जो है वो याद हो जाएगी। शाह से शहनाई, भी से भूंगल, और नाएगा से नागफणी और नड़, ये याद रखने हैं। ट्रिक क्या है? अले बाबा सुर में तू ही गाएगा, मोर संग साथ सोकर भीमशा भी नहाएगा, ठीक है। अब इस ट्रिक को अगर भूल भी जाओ तो कैसे याद रखोगे? जैसे सुशीर में आ रहा है कि सुर, तो सुर में कौन गाएगा? बाबा गाएगा, ठीक है, तो इससे याद आपको ट्रिक भी याद आ जाएगी कि अले बाबा सुर में तू ही गाएगा, मोर संग साथ सोकर भीमशा भी नहाएगा। ऐसे 3-4 बार बोलोगे तो ये ट्रिक आपको याद हो जाएगी। अगले हम वाद्य यंत्र पे आते हैं, घन वाद्य यंत्र। जिन वाद्यों को पीट कर या आघात पहुंचाने से या चोट से जो स्वर उत्पन्न होते हैं, उनको हम कहेंगे घन वाद्य यंत्र। कौन कौन से हैं? घंटा, घड़ियाल या फिर घुरालियो, थाली, मंजीरा, झांझ, झालर, करताल, घड़ा, घुंघरू, चिमटा, रमझोल, भरणी, खड़ताल, ये सब क्या है? घन वाद्य यंत्र है, ठीक है। इन्हें हम ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं, बहुत ही मस्त ट्रिक है। घंटा घर में थाली मांझ करताल, क्योंकि घड़ा चरी भरने की है हड़ताल। घंटा घर में थाली मांझ करताल, क्यों? क्योंकि घड़ा चरी भरने की है हड़ताल, ठीक है। जैसे ही घन वाद्य यंत्र आता है तो घन से आपको क्या याद आएगा? घंटा घर में थाली मांझ करताल, ठीक है। तो ऐसे याद करने की भी दिक्कत नहीं, कि भी ट्रिक भूल जाओगे आप, बस केवल ये तो पता चली जाएगा कि भाई घन आया तो घन से घंटा घर आ जाएगा, सुशीर आएगा तो सुर में कौन गाएगा? बाबा गाएगा। तो इससे आपको ट्रिक भी याद आ जाएगी। अब हम देखते हैं इससे कौन कौन से हमको याद करने हैं। देखो, घंटा से तो है घंटा और घड़ियाल, दोनों याद करने, ठीक है। फिर आ रहा है घर, तो घर से घुरालियो। फिर आ रहा है थाली, मे को काट देना, आप साइलेंट है, थाली से थाली हो जाएगा। मान से तीन चीजें आपको याद करनी है दोस्तों, मान से मजीरा, फिर झ से जो है झांझ, और झ से वापस झालर, ठीक है। मान से आपको 3 याद करने, करताल से करताल हो जाएगा सेम है। फिर घड़ा से जो आपको 2 याद करने, घड़ा तो सेम हो जाएगा घड़ा, और घ से वापस घुंघरू याद करना है, ठीक है, क्या? घुंघरू। फिर आते हैं चरी पर, तो चय से तो चिमटा आ जाएगा, ठीक है, और री से रमझोल, भरने से भरनी, और खड़ताल से हड़ताल से खड़ताल याद आ जाएगा। घंटा घर में थाली मांझ करताल, क्यों भाई? क्योंकि घड़ाचरी भरने की है हड़ताल। भाई घर पे क्या पानी वानी नहीं भर रहा था, घड़ाचरी में पानी नहीं था, पानी नहीं था तो बर्तन कैसे मांझेंगे, तो घंटा घर में चले गए, वहाँ पानी आ रहा था तो वहाँ से बर्तन मांझ लिए, ठीक है, आपको याद हो जाएगा। ट्रिक अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तत्वाद्य, ऐसे वाद्य यंत्र जिनमें तारों के द्वारा स्वरों की उत्पत्ति होती है, उनको हम बोलते हैं तत्वाद्य यंत्र, ठीक है।
तत्वाद्य यंत्र इनको बोलते हैं जिनमें तारों के द्वारा स्वर उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं। कौन कौन से? इकतारा, रबाज या रबाब, सुरिंदा, रावणहत्ता, जंतर, सारंगी, दुकाको, चिकारा, तंदूरा, भपंग, कामायचा, ये इत्यादि सभी जो है तत्वाद्य यंत्र के अंदर आते हैं। ट्रिक क्या है दोस्तों, नाम आपको जरूर याद करने हैं ये नाम, ठीक है, दो तीन बार पढ़ोगे तो नाम भी याद हो जाएंगे। पहले मैं आपको इसकी स्टोरी सुनाता हूँ, फिर ये ट्रिक वापस बताता हूँ कि एक बार क्या रावण जी ने दुकान खोली थी, तो उनकी दुकान काफी चल रही थी, कमाई वगैरह खूब हो रही थी, तो लोगों को शक हुआ यार कुछ गड़बड़ है इस दुकान के अंदर, तो रावण जी के लिए पंगा हो गया ये तो, यार ये तो मतलब मेरी कमाई से चल रहे पंगा खड़ा कर दिया इन्होंने। फिर क्या हुआ भाई, पुलिस वुलिस आई, चेकिंग बैठी के भाई इनकी दुकान की चेकिंग की जाए, तो एक जो तोता था उसने रावण जी की सारे दुकान की चेकिंग की तो कोई गड़बड़ नहीं मिली, तो फिर क्या हुआ पंगा खत्म हो गया, जो पंगा था ना वो खत्म हो गया यानी कम हो गया। तो हमारी ट्रिक भी ऐसे बनी हुई है, एक बार सुंदर तोते ने रावण जी की सारी दुकान चेक की तो पंगा कम हो गया। जैसे देखो तत् आ रहा ना, तत् से क्या याद रखना, तोता। तोते ने क्या करा, रावण जी की दुकान चेक की थी, क्यों? क्योंकि उन पर शक था ना भाई कि इनकी दुकान चल रही है तो कोई गड़बड़ मामला ज्यादा ही चल रही है कुछ, तो चेक की तो क्या हुआ कुछ नहीं मिला तो पंगा कम हो गया। तो आपको ऐसे याद रखना है, एक बार सुंदर तोते ने रावण जी की सारी दुकान चेक की तो पंगा कम हो गया। तो देखो कैसे याद करना, एक से तो इकतारा, बार आ रहा है तो देखो बार से रबाज और रबाब दोनों में बार आ रहा है, अगर आप इनको उल्टा पढ़ोगे तो याद आ जाएगा। देखो यहाँ पर बार और ये बार, ठीक है। फिर आगे यार सुंदर, तो सुंदर से सुरिंदा, तोते से तत्वाद्य याद आएगा, रावण से रावणहत्ता, जी से जो है जंतर, की को आप काट देना, सारी से सारंगी याद हो जाएगा, दुकान से दुकाको, चेक से चिकारा, फिर तो से ना तंदूरा याद आएगा, तंदूरा या तंबूरा शायद दोनों में से जो भी है, तंदूरा या तंबूरा कुछ भी बोल लो, फिर पंगा से तो भपंग और कम से कमायचा, ठीक है। यह है तत्वाद्य यंत्र, वापस से एक बार ट्रिक पढ़ो, एक बार सुंदर तोते ने रावण जी की सारी दुकान चेक की तो पंगा कम हो गया, ठीक है। एक और है दोस्तों वाद्य यंत्र, उसकी मैंने ट्रिक नहीं बनाई ताल वाद्य की, क्योंकि फिर सारा की बना देंगे तो कन्फ्यूजन भी हो जाएगा थोड़ा, तो आप इन तीनों को याद कर लें, इन तीनों को बहुत अच्छी ट्रिक से आसानी से याद भी हो जाएगी, अगर ये याद होगी तो आंसर आपका आसानी से निकल भी जाएगा। अब कुछ क्वेश्चंस देखेंगे हम जो एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, जैसे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, ये RS-PRI 2015 में पूछा जा चुका है, हमको पूछा है कौन सा सही है, तो खड़ताल सुशीर वाद्य की खड़ताल जो किसमें था, खड़ताल उसमें था, मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि भाई पहले हम सुशीर की पढ़ लेते हैं, सुशीर की क्या ट्रिक थी, तो सुर से देखो, सुर अले बाबा सुर में तू ही गाएगा, तो ये जो बांकिया आ रहा है ना ये किसमें आएगा, बांकिया ये आएगा सुशीर के अंदर, तो ये घनवाद्य गलत, अले बाबा सुर में तू ही गाएगा, मोर संग साथ सोकर भीमशा भी नहाएगा, ठीक है ये वाला अपना कट गया। अब हम बात करते हैं दोस्तों सुशीर के बाद घन की, तो घंटाघर में क्या थी, घंटाघर में क्यों गए थे, घंटाघर में थाली मांझ करताल, तो ये खड़ताल भी उसी में आएगा, ठीक है ये भी घनवाद्य यंत्र का है। अब आते हैं हम रबाब तत्वाद्य यंत्र की, तो एक बार तोते तो बार आ गया ये रबार, तो ये तत्वाद्य वाला क्या है हमारा आंसर सही है। डेरू जो है दोस्तों ये ताल वाद्य के अंदर आएगा, ठीक है ये सुशीर वाद्य का नहीं है, तो ये भी गलत है, ठीक है। तो अपना आंसर क्या आ गया, रबाब तत्वाद्य। आगे बढ़ते हैं, सॉरी आंसर पहले आ गया इसके अंदर, तो निम्नलिखित में से कौन सा सुशीर वाद्य नहीं है, सुरनाई, अलगोजा, नागफणी और कमायचा, तो कमायचा एक पंगा कम हो गया था ना, कम क्यों हो गया था, क्योंकि तोते ने चेकिंग की थी, तो किसने की थी, तोते ने, तो तत्वाद्य का है ये, ठीक है इसीलिए ये सुशीर वाद्य में नहीं आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम जो कि RPSC-LDC 2016 में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा तत्वाद्य नहीं है, कौन सा तत्वाद्य नहीं है, तो हमारी तत्वाद्य की ट्रिक क्या थी, अले नहीं सॉरी तोता था ना अपना तत्वाद्य के अंदर, तो एक बार तोते ने रावण जी की सारी दुकान चेक की तो जी से तो जंतर आ गया, रावण भी आ गया और पंगा कम हो गया था जब उन्होंने चेकिंग की थी, ठीक है। तो हमारे तीनों मिल गए, पंगा कम हो गया तो कामायचा, जी से जंतर, रावण से रावण आ गया, और अलगोजा जो है दोस्तों वो है सुशीर वाद्य का, अले बाबा सुर में तू ही गाएगा, ठीक है वो उसके अंदर आ जाएगा। दोस्तों अगर ट्रिक अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट्स बॉक्स में बताना कि आपको कैसा लगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।